बगीचा इस समय जनपद दीवानी फौजदारी बार से चुनाव गौतम बुद्ध नगर का हो रहा है, आपके क्या क्या मुद्दे हैं जो संपर्क करें बताइए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, हमारे यहाँ 400 अधिवक्ता आए हैं जी, वो चैम्बर भी है जी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने का, डिसेंट दैट वे, किसी भी तरह किसी भी हालत में उनको चैम्बर दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद सारी प्राथमिकता है हाँ, वो भी उनमें बाद में पूरा करेंगे, चलती तो यही है, इसी पर हमारा सबसे ज़्यादा जोर है। आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल, खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप चल रहा है जी, मेरा नाम एडवोकेट मनोज चौधरी है और हमारे यहाँ वार्षिक चुनाव चल रहे हैं, तो हम चौधरी राम चौधरी जी के साथ है और पूरी युवा शक्ति मजबूती से उनके साथ खड़ी है और हम उम्मीद करेंगे कि सभी युवा साथी उनका समर्थन करें और भारी मतों से उन्हें विजय। क्या खासियत है सुदेश राम चौधरी जी में और भी है बारह प्रत्याशी तो अध्यक्ष के लिए? राम चौधरी जी बहुत ही सभ्य है, सौम्य, अपनी बातों को सही से रखने वाले और सभी युवा साथियों का समर्थन करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि पूरी कचहरी उनका सम्मान करेगी और भारी से भारी मतों से उन्हें जिताए। बोलो पंडित जी, बोल दो। बोलो, चुनाव ये हमारे जो अध्यक्ष पद पर हो रहा है इसमें प्रतिद्वंदी जो दो ही लोग हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव और सही मतों के साथ जो विजय से वो हमारे राम जी के पक्ष में जाए। मुख्य समस्या क्या है कचहरी की? मुख्य समस्या है कानूनी जो कोर्ट प्रक्रिया है वो व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। अदालत का काम है, अदालत में काम की पेंडेंसी के चलते जो है व्यवस्था खराब कर रखी है। पेंडेंसी ज़्यादा है? पेंडेंसी धर्मेंद्र भाटी जी क्या कहना चाहते हैं, चुनाव जो है इसमें रेश राम चौधरी इसमें प्रत्याशी है, दूसरी बार है, क्या कहना चाहते हैं आप प्रबल समर्थक हैं? देखिए, रेश राम चौधरी मृदुभाषी हैं, सरल स्वभाव है और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, पूरी तरह से ईमानदार उनकी छवि है, सब लोग इनकी छवि से प्रभावित हैं और इन लोगों को निश्चित तौर पर बार का प्रत्येक सदस्य तन मन धन से सहयोग देने दे रहा है और पूरे बहुमत से चुनाव जीतने की स्थिति में रेश राम जी हैं और जीतने के पीछे जो उद्देश्य हैं, चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा जाता कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाए, जीतने के बाद भी क्या कार्य होंगे ये प्रत्याशी का महत्वपूर्ण देखा जाता है, उसका चरित्र कैसा है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ युवाओं के सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं का, क्योंकि चैम्बर सबसे महत्वपूर्ण वकालत के लिए ज़रूरत है किसी भी अधिवक्ता के लिए और उसका एक तरीका है, ना तो चैम्बर डिस्ट्रिक्ट जज से मिलके बन सकते हैं ना हाई कोर्ट के जस्टिस से मिलके बन सकते हैं। हाई कोर्ट में एक निर्माण कमेटी है और यहाँ जो व्यवस्था जिस तरीके से इस स्ट्रक्चर की है, चाहे वो अधिवक्ताओं के लिए अलॉटेड भूमि है, चाहे कोर्ट के लिए अलॉटेड भूमि है, चाहे पार्क के लिए अलॉटेड भूमि है, इस सब का नक्शा माननीय उच्च न्यायालय में जमा है। जिस तरीके से अथॉरिटी में किसी भी प्लॉट का अलॉटमेंट होने के साथ उसका एक मैप होता है, उसकी एक पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही पैरामीटर्स इसी मैप पे वो वहाँ जमा है, उसमें कोई दखलंदाजी जब तक नहीं हो सकती जब तक माननीय उच्च न्यायालय परमिशन नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि यहाँ मल्टी स्टोरी चैम्बर बन के ही सारे अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान हो सकता है, मल्टी स्टोरी चैम्बर जो बनने की व्यवस्था है वो बिना शासन के नहीं बन सकती और शासन में मुख्यमंत्री के अलावा और कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि लगभग 125 करोड़ रुपए का बजट है। अगर जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने यहाँ एक नक्शा बनवाया था अपने खर्चे पे, 5 मंजिल चैम्बर और विद लिफ्ट और बेसमेंट पार्किंग के साथ, उसमें उस समय 100 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था, ये 2016 की बात है। आज 5 साल हो गए, महंगाई बढ़ी है तो मैं समझता हूँ लगभग 125-150 करोड़ का बजट है। उस समय व्यवस्था थी 12x15 का सिंगल चैम्बर प्रत्येक कार्यरत अधिवक्ता के लिए और वो 14 नंबर गली तक कंप्लीट हो रहा था। भविष्य के लिए हमारे पास पूरा सी ब्लॉक और आधे से ज़्यादा बी ब्लॉक सुरक्षित था, उसमें हमने ये सोच के
कि भी एक ऐसा एक सेट बना देंगे जहां नए आने वाले अधिवक्ता 3 साल तक उनको सीट अलॉट हों, और जैसे ही ये कन्फर्म हो भी ये वास्तव में यहां प्रैक्टिस होंगे तो उनको चैम्बर अलॉट हो जाए। क्योंकि मल्टी स्टोरी, देखिए ये NCR का सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, जिले की सीमाएँ दिल्ली से मिली हुई हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल का प्रतिनिधि आता है तो उसको साकेत कोर्ट दिखाई जाती है। साकेत कोर्ट का टोटल एरिया इतना जितने में हमारे चैम्बर बने हुए हैं। हमारे पास 35 एकड़ जमीन इस न्यायालय के पास है, और इतनी भूमि उत्तर प्रदेश में किसी भी न्यायालय के पास नहीं है, इतनी जमीन चैम्बरों के लिए किसी न्यायालय के वकीलों के पास नहीं है। तो अगर हम इसको मल्टी स्टोरी चैम्बर बना दें सरकार के खर्चे पे, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक अधिवक्ता सहर्ष उस बजट में बिना अपनी जेब से पैसे जाए उसको बना देगा, और हाई कोर्ट की देखरेख में ये व्यवस्था हो सकती है अगर मुख्यमंत्री से कोई व्यक्ति इस लेवल से अप्रोच करने की पोजिशन में हो कि वहाँ से बजट ला, क्योंकि हाईकोर्ट का अपना कोई बजट नहीं होता। वो अगर कोई समस्या है, कोई विकास कार्य कराना है, तो शासन को भेजते हैं, शासन में बहुत लंबा समय लगता है। हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय उनके सामने ये बात रखी और वो इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन आचार संहिता लग गई और उस वजह से वो प्रोग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ 3 विकास प्राधिकरण हैं, ऑटोनॉमस बॉडियाँ, उनका अपना वो है, बजट होता है, और 35-35, 40-40 करोड़ रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और मैं निश्चित तौर पर इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रेसराम चौधरी अध्यक्ष बनते हैं इस दिशा में मजबूत स्तर से कार्य होगा, और जितना भी संभव और भी विकास कार्य हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं के टॉयलेट के लिए समस्या है, अधिवक्ताओं के टॉयलेट की समस्या है, नाली खुली हुई हैं, उस समय जब हमने ये शेड बनवाया था उस समय से नाली खुली हुई हैं, ये पटनी है, इंटरलॉकिंग टायल जो बीच में एरिया खाली पड़ा चैम्बर की और बराबर में इंटरलॉकिंग टायल लगनी, इसकी खूबसूरती बढ़ रही है, वृक्षारोपण भी होना है, और महिलाओं के लिए कैंटीन बननी है, अधिवक्ताओं के लिए कैंटीन बननी है, महिलाओं का अपना एक बार रूम अकेला होना चाहिए, एक लाइब्रेरी, क्योंकि पूरे जनपद में प्राधिकरण और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लाइब्रेरी जनपदों के लिए अलग अलग देती हैं, तो वो इंश्योरेंस है। अधिवक्ता का हमारे बीच में कोई चला जाता है उसको जो आर्थिक मदद उस परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो व्यवहारिक हैं और जिनको पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें मेहनत के साथ लगा जाए, और मेहनत वे व्यक्ति कर सकता है। अगर हम यहाँ बेल ट्रायल में लगा रहेगा कोई भी जीतने वाला प्रत्याशी, वो समय नहीं निकाल सकता हाईकोर्ट और इलाहाबाद लखनऊ के लिए। हमें पूरी यकीन है अगर रेसराम चौधरी चाहे उनको चैम्बर पे वकालत छोड़नी पड़े, वो वकीलों के हित के लिए लखनऊ भी जाएंगे, इलाहाबाद भी जाएंगे, चीफ जस्टिस से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और यहाँ विकास कार्य कराए जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ पूरे जनपद के अधिवक्ता जिला न्यायालय बाहर के, वो बहुमत से रेसराम चौधरी को जिताने का निर्णय ले चुके हैं।